तो मेरे साथ मौजूद हैं बजरंग पुनिया जो कि विनेश फोगाट को दिल्ली के T3 एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आए हैं और बजरंग से बात करते हैं। बजरंग, किस तरह से तैयारियां हैं विनेश को विनेश के स्वागत के लिए? सबसे पहले तो धन्यवाद मैम और सभी देशवासियों को नमस्कार। बड़े उत्साह के साथ लोग आए हैं। देखो, विनेश ने जो उपलब्धि हासिल की है, मेडल मिलना ना मिला वो भाग्य की बात होती है, जो चीजें सब पूरे देश ने देखी हैं, लेकिन उसका वेलकम बिल्कुल एक चैंपियन की तरह होगा और वो चैंपियन बन के आई है और हमेशा वो देश की जो बेटियां हैं उनके लिए रोल मॉडल रहेगी और उसने वो चीजें करके दिखाई है कि भाई रोड से लेके पोडियम तक, तो वो सब पूरे देश ने देखा और पूरे देश का आशीर्वाद है और उम्मीद करेंगे कि भाई आगे भी अगर अभी बात करेंगे विनेश से, आगे अगर रेसलिंग और करेगी तो हमारे लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। मेरा दूसरा सवाल यही था कि संन्यास तो उन्होंने घोषित कर दिया था लेकिन कल एक बहुत इमोशनल पोस्ट लिखा था, तो कहीं ना कहीं उससे ये दिखाता है, इंडिकेशन आती है कि क्या विनेश आगे आपको रेसलिंग करते नजर आ सकती है? बिल्कुल, अभी बैठ के बात करेंगे क्योंकि देखो आदमी दुख में जब क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए इससे बुरा दौर मुझे नहीं लगता कोई होगा और पूरे देश के लिए है ये दौर, क्योंकि हमारा गोल्ड आ सकता था लेकिन सिल्वर तो हमारा था, उसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन वो गोल्ड के लिए मजबूती दावेदार थी और जीत भी सकती थी, लेकिन वो जो वेट ना आने के कारण जो चीजें पूरे देश ने देखी हैं तो वो उस समय डिस्टर्ब भी थी और भाई खिलाड़ी जब मतलब ऐसी चीजें होती है तो वो गुस्से में भाई क्योंकि टूट जाता है बिल्कुल, तो वो कदम विनेश ने लिया तो कोशिश करेंगे कि विनेश से कि भाई वो दोबारा से रेसलिंग में आए और देश के लिए दोबारा मेडल जीते। कैस की अपील को चैलेंज करेंगे? हाँ, अभी बात करेंगे और जो भी संभव प्रयास होगा वो हर प्रयास करेंगे। और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे विनेश? देखो ये अभी क्या क्या अभी मुलाकात करने का जो भी चीजें होंगी वो सबके सामने होंगी। जंतर मंत्र पे बैठे थे, जब भी मुलाकात करनी चाहिए थी लेकिन जब भी नहीं हुई, तो वो चीजें पूरा देश देख रहा है, लेकिन समय सब ठीक करेगा। भगवान वो बोलते हैं भगवान के घर में देर है देर नहीं है। और किस तरह की तैयारियां हैं बलाली में, आप लोग ने किस तरह का इंतजाम किया है? देखिए, आप पूरा मीडिया दिखाएगा, वो पूरा देश देखेगा और पूरे लोग जोश के साथ आए कि हम अपनी बेटी को ये महसूस नहीं होने देंगे कि वो मेडल नहीं लेके आए, हमारे लिए वो चैंपियन बन के आई थी और चैंपियन ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देख सकते हैं ये हैं बजरंग पुनिया जो लगातार जो है विनेश के पक्ष में बोलते आए हैं और उन्होंने कहा कि चैंपियन जैसा स्वागत विनेश फोगाट का T3 एयरपोर्ट पे रहेगा और विनेश को उनके संन्यास से वापस आने की उन्होंने सलाह दी और कहा कि उनको बैठकर बात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री से रिलेटेड भी उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री से विनेश फोगाट मुलाकात करेंगी नहीं करेंगी, उन्होंने कहा कि जब प्रोटेस्ट कर रहे थे सारे रेसलर्स तो वहां पर भी प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए थी, हालांकि उन्होंने इस पर ना या हां का जवाब नहीं दिया कि वो मुलाकात करेंगी नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पूरी तरह से इंतजाम किया गया है विनेश को वेलकम करने का, उनके स्वागत को लेकर, और पूरा का पूरा उनका गांव यहां पर मौजूद है। और यहां पर आपको बता दें कि ये थोड़ी सी झलकियां हैं उनके स्वागत के लिए। दूसरे गेट पर जो है बहुत हैवी सिक्योरिटी लगाई गई है विनेश के स्वागत के लिए, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि पूरा बलाली जो है यहां पर होगा। इसके बाद बलाली के लिए रवाना होंगी विनेश फोगाट और वहां पर भी पूरे प्रॉपर इंतजाम है। जिस तरह से हमने उनके ब्रदर हरविंदर जी से बात की थी, उन्होंने इसके बारे में बताया था। कैमरा पर्सन नासिर के साथ T3 एयरपोर्ट शाजिया अब्बास आज तक।